Hello viewers, this is a video lecture on a course Automobile Engineering for Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on first chapter, Introduction to Automobile, and our topic for this video lecture is classification of automobile. So in this video lecture, we are going to classify automobiles on number of different bases. The learning outcome for this video lecture: course outcome, prepare vehicle layout with their specification. So in the last video lecture, we have already learned about the different component and the various system of an automobile. तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से सिस्टम्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है. तो उन्हीं के बेसिस पे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ऑटोमोबाइल्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से क्लासीफाई करेंगे. So this will be the learning outcome of this video lecture. आगे बढ़ने से पहले PO और PSO मैपिंग देख लेते हैं. तो यहाँ पर जो PO PSO मैपिंग है, उसमें सबसे पहला PO मैप होता है बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज. इस वीडियो लेक्चर से हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक नॉलेज गेन होने वाला है, तो इसीलिए हमने PO 1 मैप किया हुआ है. उसके बाद आता है PO 4, जिसे हमने मैप किया है, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग. अगर आपको ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज है, तभी आप डिफरेंट व्हीकल को क्लासिफाई कर सकते हैं. यानी आपको टूल्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज जरूरी है, जो कि इस वीडियो से फुलफिल होगा. उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अब आप जब भी कभी गाड़ी खरीदने जाते हैं, ये जनरल काम में आएगा. अगर आप उसको रिपेयर करना चाहते हो, डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑटोमोबाइल कौन से क्लासिफिकेशन में होता है और किस हिसाब से फिर उसके कंपोनेंट फाइनलाइज किए जा सकते हैं. सो दिस वीडियो विल बी यूजफुल थ्रू यू थ्रू आउट योर लाइफ. दैट्स वाई PO 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है. साथ ही साथ हम लोगों ने PSO 2 मैप किया है, जो है यूज एंड मेंटेन द इक्विपमेंट रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो इसीलिए PSO 2 भी हम लोगों ने यहाँ मैप किया है. तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये नॉलेज जरूरी है कि हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था. तो पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑटोमोबाइल सिस्टम्स और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि ऑटोमोबाइल्स में कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद सस्पेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और उन सारे सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो अगर इन दोनों टॉपिक का आपको अच्छी तरह से याद नहीं है, अच्छी तरह से नॉलेज आपने सीखा नहीं है, तो आप वो दोनों वीडियो एक बार फिर से देखिए, तभी आपको ये आगे का वीडियो समझ में आएगा. तो अगर ये नॉलेज आपको अच्छी तरह से आता है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन. नाउ ऑटोमोबाइल का जनरल क्लासिफिकेशन हम लोगों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ऑटोमोबाइल को बहुत सारे क्राइटेरिया से या बहुत सारे बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. उसमें के कुछ मेजर क्लासिफिकेशन है जो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. बाकी के और भी बहुत सारे बेसिस पे हम ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ते जाएगा, उसके बारे में हम लोग और समझते जाएंगे. तो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इन सम ऑफ द जनरल टर्म्स क्या होता है. तो सबसे पहला है पर्पस. तो पर्पस क्या है, ऑटोमोबाइल का यूज किस लिए कर रहे हैं हम लोग, तो किस वजह से हम लोग ऑटोमोबाइल को यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो जिसमें दो चीजें आती है, सबसे पहला है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल. तो अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर रहे हैं, जिसमें आप लोग ऑटोमोबाइल का यूज लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में आता है कार, जीप, बस, ये सारे व्हीकल
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, और जब आप कार्गो को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं, जब आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं। जैसे कि ट्रक है, मिनी ट्रक है, मेटाडोर्स है, तो ये सारे व्हीकल्स क्या होते हैं, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूल यूज्ड। अब ये फ्यूल यूज्ड बहुत ज्यादा टाइप से होता है। सबसे पहले आता है यू कैन यूज पेट्रोल एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल। तो अगर पेट्रोल इंजन लगा हुआ है तो इट विल बी पेट्रोल व्हीकल, जिसमें आते हैं आपके कार, जीप, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर जितने भी है, ऑटो रिक्शा, ये सारे व्हीकल्स पेट्रोल पे चलते हैं। फिर आते हैं डीजल व्हीकल्स। डीजल व्हीकल्स पे क्या होगा, डीजल इंजन रहता है, कार है, जीप, बस, ट्रक, यानी जो भी कमर्शियल व्हीकल है, जो हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, वो बेसिकली डीजल व्हीकल्स होते हैं। आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर बैटरी ट्रक होते हैं, कार, फोर्कलिफ्ट, ये सारे व्हीकल जो है इंडस्ट्रीज में वगैरह यूजफुल होते हैं। पर आजकल आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कार, बस, सॉरी कार भी है, बस भी है, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर्स भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई देती है। उसके बाद आता है गैस व्हीकल, जैसे CNG और LPG व्हीकल्स होते हैं, जो बेसिकली कार और बसेस में यूज किया जाता है। जब ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट हुआ था तब कुछ व्हीकल्स स्टीम इंजन पे चलते थे, तो उन्हें स्टीम व्हीकल्स भी कहा जाता है। पर ये आजकल यूज में आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है और उतनी ज़्यादा भी एडवांटेजियस नहीं है यूज करने के लिए। इसी के साथ साथ हाइब्रिड व्हीकल्स भी होते हैं, जिसमें दो पावर सोर्स लगे हुए होते हैं, यानी एक पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड व्हीकल होता है, या फिर पेट्रोल और गैस व्हीकल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो इन द मार्केट नाउअडेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कैपेसिटी ऑफ व्हीकल। तो कैपेसिटी ऑफ व्हीकल क्या होगा, तो सबसे पहला है लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल्स यानी जो छोटे व्हीकल्स हैं जिनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो लाइट मोटर व्हीकल्स में आएंगे। जिसकी कैटेगरी अगर आप देखोगे तो आपकी जो कार है, जीप है, टू व्हीलर्स है, दे आर ऑल कम अंडर द लाइट मोटर व्हीकल्स। उसके बाद मीडियम मोटर व्हीकल्स, जिसमें टेम्पो, मिनी बस, स्टेशन वैगन जैसे व्हीकल्स आते हैं। उसके बाद आता है हेवी मोटर व्हीकल, जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये तो बेसिकली एक जनरल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है। लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम और हेवी व्हीकल को जनरली कैटेगराइज किया जाता है RTO द्वारा। तो जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसको RTO यूज करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उस बेसिस पे ये व्हीकल कैटेगराइज होते हैं। तो जैसे आपने छोटी कार देखी होगी जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, 1 टन से कम रहेगी, तब लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं। और अगर पैसेंजर की बात करें तो 4 या 5 पैसेंजर कैरी कैपेसिटी वाली जो कार होती है, या अप टू 10 कैटेगरी वाले, उनको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल में काउंट करते हैं। उसके बाद आता है मीडियम मोटर व्हीकल्स। तो जैसे मिनी बस होती है 25 पैसेंजर की कैपेसिटी, 20 पैसेंजर कैपेसिटी वाली, या 15 पैसेंजर कैपेसिटी वाली जो बसेस होती है, टेम्पोज होते हैं, आपने वो टाटा एस वगैरह व्हीकल देखे होंगे जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 1 टन से थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ये सारे व्हीकल मीडियम मोटर व्हीकल्स में आते हैं। जैसे टाटा 207, 407 अपने मिनी ट्रक्स देखे होंगे, वो लाइट मोटर मीडियम मोटर व्हीकल्स में आते हैं। उसके बाद होता है हेवी मोटर व्हीकल्स। हेवी मोटर व्हीकल्स जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 40 या 50 पैसेंजर को कैरी करते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर ट्रक के टर्म्स में देखें तो 15, 20, 25 टन की लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऐसे व्हीकल्स को हम लोग हेवी मोटर व्हीकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्लासिफिकेशन है और सभी के यहाँ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। उसके बाद ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ स्टेयरिंग साइट। तो स्टेयरिंग आपके व्हीकल में देखा होगा आपने, फोर व्हीलर में, ट्रक्स में, यहाँ पे सब में स्टेयरिंग होता है। तो स्टेयरिंग कौन से साइड में व्हीकल में लगे हुए है, उसके बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक होता है लेफ्ट हैंड व्हीकल एंड द राइट हैंड व्हीकल। तो राइट हैंड व्हीकल आप अगर इंडिया में देखेंगे तो सारे के सारे व्हीकल जो है वो आपको राइट हैंड ड्राइव के टाइप के मिलेंगे, क्योंकि व्हीकल में जो स्टेयरिंग है वो राइट साइड में
placed होता है because it is adopted practice in India by law. तो by law के हिसाब से इंडिया में जो भी vehicle बनेगा वो right hand drive ही रहेगा. तो कुछ countries होती है जैसे कुछ European countries है जहां पर left hand drive use होता है. US में left hand drive use होता है तो वहां पे आपको जो steering system जो रहेगा वो left side में माउंटेड रहती है. तो उसके बेसिस पे भी ऑटोमोबाइल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. पर याद रखिए इंडिया में जो भी व्हीकल मिलेगा वो हमेशा राइट हैंड ड्राइव ही रहेगा क्योंकि हम इंडिया में हमेशा रोड के लेफ्ट साइड से चलते हैं. तो इसीलिए राइट हैंड ड्राइव व्हीकल होते हैं. उसके बाद आता है ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव एक्सेल. अब हमने पिछले जब क्लासिफिकेशन देखा था तब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इंजन होता है और एक ड्राइव होता है. आपने ट्राइसिकल देखी होंगी, छोटे बच्चों की जो ट्राइसिकल होती है उसमें जो पेडल माउंट किया होता है वो फ्रंट व्हीकल के ऊपर होता है. तो बच्चा जब वो पेडल को घुमाता है तो फ्रंट वाला व्हील घूमता है. तो उस केस में क्या हो गया, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है क्योंकि आप पावर किसको दे रहे हो, फ्रंट वाले व्हील को दे रहे हो और वो साइकिल चल रही है. अब आप अगर नॉर्मल बाइसिकल अगर देखोगे तो उसमें जो पावर होता है वो पीछे जाता है, यानी पीछे के व्हील को पावर मिलता है, पीछे का व्हील चलता है और सामने का अपने आप उसको फॉलो करता है. तो दिस थिंग हैपेंस. तो ड्राइव किसको दे रहे हैं हम लोग, उस बेसिस पे भी हम ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो अगर आप फ्रंट एक्सल के व्हील को पावर दे रहे हैं तो दैट विल बी फ्रंट व्हील ड्राइव. और अगर ये पावर आप पीछे के व्हील को दे रहे हैं तो दैट विल बी रियर व्हील ड्राइव व्हीकल. तो क्या हो सकता है, ये दो टाइप के ड्राइविंग हो सकते हैं. इसमें एक और टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव, जिसमें पावर दोनों भी फ्रंट भी और रियर में भी दिया जाता है. तो उसको हम फोर व्हील ड्राइव व्हीकल बोलते हैं. तो बेसिकली अगर आपको ये क्लासिफिकेशन चेक करना है तो आप देखिए कि आपने जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंपोनेंट देखे थे, वहां पे एक कंपोनेंट था डिफरेंशियल. तो डिफरेंशियल कौन से एक्सेल पे माउंट है, अगर वो फ्रंट एक्सेल पे माउंट है तो पावर फ्रंट एक्सेल में मिल रहा है, अगर रेयर पे है तो पावर रेयर व्हील को मिल रहा है तो वो रेयर व्हील ड्राइव होगा. और फोर व्हील ड्राइव में कहां पे डिफरेंशियल होगा ये आप सोचिए. तो अगर आपने सोचा तो आपने ये पता किया होगा कि जो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल है उसमें दोनों के दोनों इस पे फ्रंट व्हील ड्राइव भी रहता है, रियर व्हील ड्राइव भी होता है, यानी वहां पर दो डिफरेंशियल रहेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब ऑटोमोबाइल को अगर कंस्ट्रक्शन के बेस पे क्लासिफाई करें तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रक व्हीकल है. अब ये ट्रक एक टाइप का व्हीकल है, ट्रक का कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन बना हुआ होता है. उसके बाद स्टेशन वैगन होती है. तो स्टेशन वैगन अगर आप देखें तो ये है स्टेशन वैगन जिसमें तीन रो होती है पैसेंजर्स के लिए. कार अगर आपने देखी होगी तो कार एक नॉर्मल व्हीकल है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है. सो दिस इज अ कार. देन मोटरसाइकिल तो आपको पता है टू व्हीलर किस तरह से होती है, स्कूटर आपको पता है, मोपेड्स कैसी होती है ये भी आपको देखा है, ऑटो रिक्शा आपको पता है, पिकअप ट्रक एक टाइप का व्हीकल होता है जो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है. इसके एग्जांपल अगर आप पता करें तो आपको पता चलेगा टाटा 207 उस कैटेगरी में आता है. उसके बाद बस किस तरह से होती है ये भी हमें पता है बहुत अच्छी तरह से. देन ट्रैक्टर ट्रेलर यहाँ पे होता है, ये देखिए इसको ट्रैक्टर ट्रेलर बोलते हैं, जो हेवी व्हीकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेवी जो होते हैं जिसके अंदर आपका जो पीछे का ट्रेलर है वो डिटैचेबल होता है, उसको निकाल सकते हैं वापस लगा सकते हैं, ऐसे व्हीकल को ट्रैक्टर एंड ट्रेलर बोला जाता है. तो ये बहुत सारे टाइप के व्हीकल है, किस टाइप के व्हीकल कहाँ पर यूज होते हैं. तो आप अगर एक असाइनमेंट अपने साथ में लीजिए कि इस कैटेगरी में आप कौन सा व्हीकल अवेलेबल है उसकी आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है कि ट्रक के मॉडल कौन से है जो मार्केट में अवेलेबल है. स्टेशन वैगन यानी आप ध्यान दीजिए तो इनोवा जो होती है, इनोवा कार का नाम आपने सुना होगा, वो स्टेशन वैगन है. तो वैसे ही और भी एग्जांपल ढूंढ के निकालिए कौन से उस टाइप के व्हीकल्स होते हैं. इसके बाद कार आपको पता है, मोटरसाइकिल पता है, स्कूटर मोपेड पता है, ऑटो रिक्शा पता है, पिकअप ट्रक आपको देखिए कौन से टाइप में होते हैं, बस और ट्रैक्टर ट्रेलर.
ट्रेलर, तो इतने टाइप के व्हीकल्स के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन सिंपल, उस व्हीकल का बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से, कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। बाकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो चीज है वो नियर अबाउट सारे व्हीकल का एक जैसा होता है, सब में कंपोनेंट सेम होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी एंड नंबर ऑफ डोर्स। दिस इज अ वेरी इसेंशियल क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी आपको खुद सीखना है, खुद इसके बारे में सोचना है। तो क्या होता है कि ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नहीं है, दिस क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल के जो टाइप है, सॉरी कार्स के जो टाइप है उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले आता है सेडान। तो आपने सेडान देखी होगी जिसके अंदर दो डोर वाली सेडान होती है, चार डोर वाली कार्स होती है। उसके बाद आता है कन्वर्टिबल्स, जिस कार का जो रूफ है वो कभी भी खोला जा सकता है या फिर हम उसको वापिस फिट करते हैं, ऐसे व्हीकल्स को हम लोग कन्वर्टिबल्स बोलते हैं। दीज आर हैविंग टू डोर्स और टू सीट्स। ओके, देन स्टेशन वैगन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें तीन पैसेंजर की रोज रहती है सीट्स की और चार डोर होते हैं। उसके बाद होता है डिलीवरी वैन या पिकअप ट्रक्स, देन स्पेशल पर्पज व्हीकल, दैट इज मिल्क वैन, एम्बुलेंस, मोबाइल वैन, जो स्पेशल किसी पर्पज के लिए हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इस बेस पे हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हीकल्स किस टाइप से है, सेडान, ये देखिए व्हीकल का कंस्ट्रक्शन कैसा है, चार डोर होंगे इसमें और ये पीछे एक्सटेंडेड पार्ट्स होता है, तो इसको सेडान बोलते हैं। जब पैसेंजर की सीट दो रहती है पर डोर दो ही होते हैं, उसको कूप बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हैचबैक। हैचबैक में देखिए ये जो पीछे का कंस्ट्रक्शन है सेडान में इतना नहीं होता, कार की लेंथ छोटी होती है, चार डोर होते हैं, दो पैसेंजर की रो होती है, तो इनको हम हैचबैक बोलते हैं। मिनी वैन में क्या होता है, तीन पैसेंजर की रोज होती है। ट्रक में क्या होगा, सामने पैसेंजर की एक रो रहेगी और जो पीछे में मटेरियल कैरी करने के लिए अरेंजमेंट रहेगा उसको ट्रक बोलते हैं। फिर स्टेशन वैगन आती है, ये कन्वर्टिबल है जिसकी बॉडी वापस खुल सकती है, वापस लग सकती है। और MUV या SUV यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, जिसकी कैटेगरी अगर आप देखें तो जो इंडीवर है या टाटा सफारी टाइप के जो व्हीकल्स है जिसमें तीन पैसेंजर्स होते हैं, पाँच दरवाजे होते हैं, उसमें हम उसको SUV या MUV कहते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्स बेसिकली। तो आप ध्यान दीजिए कि इतने टाइप के कार मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो हर एक कैटेगरी की आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि सेडान में कौन से मॉडल अवेलेबल है मार्केट में, कूप में आपको कौन सा मॉडल अवेलेबल है दिखाई देगा, हैचबैक में, मिनी वैन में, स्टेशन वैगन में, ये आप अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं। ये अगर आप वर्किंग करते हो तो आपको उतना ही इजीली ये सब कुछ समझ में आएगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम यूज्ड। अब ट्रांसमिशन सिस्टम यूज्ड में क्या होता है, सबसे पहला है मैनुअल ट्रांसमिशन। नाउ मैक्सिमम व्हीकल्स जो आप देखोगे, कार हो गया, मोटरसाइकिल्स हो गई, इनमें मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, यानी जो गियर शिफ्टिंग होती है वो आपको खुद करनी पड़ती है। तो आपकी मोटरसाइकिल है, जो नॉर्मल कार्स है, इनमें अगर आप जो ट्रांसमिशन सिस्टम देखोगे वो होता है मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें आप गियर्स को खुद चेंज करते हो। फिर आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ व्हीकल्स होते हैं व्हीकल विदाउट गियर, जैसे कि आपकी एक्टिवा व्हीकल हो गई, स्कूटर्स हो गई, मोपेड्स हो गई, उनके अंदर गियर नहीं होते, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल बिना गियर्स के नहीं होता। उसमें ऑटोमोबाइल वो व्हीकल विदाउट गियर नहीं होते हैं, वो व्हीकल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं, यानी उसके अंदर आपको गियर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, तो इसीलिए उसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बोला जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है दे आर फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन,
यानी इसमें आपको गियर शिफ्टिंग के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, आपके व्हीकल की स्पीड के हिसाब से आपके गियर अपने आप शिफ्ट होते हैं। उसके बाद आता है तीसरा, दैट इज सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो आपने अगर कार देखी होगी जिसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगा होता है, वो गियर बॉक्स सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है। इसमें लीवर होता है, पर आपके अंदर उस लीवर में सिर्फ पार्किंग, न्यूट्रल और ड्राइव और रिवर्स ऐसे ही ऑप्शन होते हैं। तो आपको उसको बार बार शिफ्ट करना नहीं पड़ता, वो सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। वो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है पर मोड सिलेक्ट आपको करना पड़ता है, इसीलिए उसको सेमी ऑटोमेटिक कैटेगरी में रखा जाता है। एंड द लास्ट वन इज द स्टेयरिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेयरिंग भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है मैनुअल पावर स्टेयरिंग, तो जो पहले व्हीकल्स में आती थी, और अब उसकी जगह आता है पावर स्टेयरिंग। तो मैनुअल अगर स्टेयरिंग होगा तो व्हीकल को स्टीयर करने के लिए यानी टर्न करने के लिए जो पावर की जरूरत पड़ती है वो ड्राइवर को लगानी पड़ेगी, और जब वो पावर असिस्ट होता है तो उसको पावर आपको व्हीकल से ही मिल जाता है स्टेयरिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको पावर स्टेयरिंग बोलते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। इसके बावजूद कुछ और टॉपिक्स होते हैं जिसके बेस पे हम ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो आपको ये कोर्स कंप्लीट करने पर समझ में आएगा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। द समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज कि आप अब ऑटोमोबाइल को गिवन पैरामीटर पे क्लासिफाई कर सकते हो। तो अगर आपको कोई पैरामीटर मैंने दिया है तो उस बेस पे आप ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ द पीओ एंड पीएसओ मैपिंग में क्या होगा? पीओ वन, दैट इज बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज हमारा बड़ा है, इसलिए पीओ वन मैप किया हम लोगों ने। उसके बाद पीओ सेवन मैप किया हुआ है हम लोगों ने, जो होता है सॉरी पीओ फोर हम लोगों ने मैप किया सबसे पहले, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। और उसके बाद पीओ सेवन, क्योंकि हमारा लाइफ लॉन्ग नॉलेज बढ़ा हुआ है तो इसीलिए पीओ सेवन मैप किया है। एंड देन पीएसओ टू, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट द वेरियस टूल्स एंड इक्विपमेंट रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चेचेस। तो ऑटोमोबाइल का जो कोर है, एक व्हीकल का जो कोर कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम चेचिस कहते हैं, जिसको हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है कि अ व्हीकल विदाउट बॉडी इज नोन एज चेचिस। तो चेचिस क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। टिल देन ऑलवेज कीप लर्निंग एंड थैंक यू।